The beautiful and elegant actress Farnaaz Shetty, also known as Gunjan from Veera Ek Veer Ki Ardaas, in an exclusive chat with India Forums, talking about her television journey. मुझे 17 साल की थी जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया और बहुत नर्वस थी मैं. मुझे ऑफर आया था, मैं बॉम्बे से ही हूँ तो एक्टिंग के लिए, तो मैं गई और मैंने ऑडिशन दिया. काफ़ी नर्वस थी मैं. और उत्तरन शो जो अभी भी ऑन एयर है उसका ऑडिशन मैंने दिया था. पहले तपस्या की स्क्रिप्ट दी थी मुझे, फिर इच्छा की स्क्रिप्ट दी, तो स्क्रिप्ट रेडी मैंने कर दी थी. बट उसके बाद 5 मिनट में दूसरी स्क्रिप्ट आई थी हाथ में. काफ़ी और एक्टिंग का कुछ इतना नॉलेज ही नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि एक्ट्रेस का भी बनना ही नहीं था. आई वॉज़ वेरी स्टूडियस, आई हैव डन साइकोलॉजी, तो पढ़ाई में काफ़ी ध्यान था और ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना था. तो ये मेरा एम था ही नहीं कभी भी लाइफ में. या तो मैं एक साइकाइट्रिस्ट होती या तो मैं एक अपनी इवेंट मैनेजमेंट मैंने किया है, तो आई वुड हैव बीन इन टू इवेंट कंपनी. बहुत अच्छी रही है और 2-4 ऑडिशंस मैंने बिना सीखे ही ऐसे ही दे दिए, क्योंकि सामने से लोग बोलते थे कि शो है कि आप लीड के लिए ट्राई करना चाहते हो एंड ऑल दैट. तो मैं अपनी मॉम के साथ जाती थी ऑडिशन के लिए. फिर उसके बाद मैंने सोचा आफ्टर माई ग्रेजुएशन कि मुझे करियर में क्या बनना है, मैं क्या करूँ. मुझे जॉब नहीं करना था 9 to 6, बिकॉज आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, लाइक आई एम अ पेंटर ऑल्सो. तो मुझे कुछ क्रिएटिव हमेशा करना था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतने ऑफर्स आ रहे हैं तो वाई नॉट टू टेक इट सीरियसली. मतलब इतने लोग हैं जो बनते हैं तो मैं भी बन जाऊँगी, बट एवरीथिंग नीड्स अ बेस. तो आई शुड गो एंड डू थिएटर्स और सीखूँ मैं कहीं से और फिर जाके अपने आप को तैयार करूँ, फिर जाके ऑडिशन दूँ. उसके बाद मैंने जो ऑडिशन दिया, आई गॉट वन ऑफ़र. उसके बाद भी मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे. सर्जी सुमित में गीतिका क्रिएटिव थी जिन्होंने मुझे पहला शो ऑफ़र किया, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. और मैंने सबसे पहले 70mm कैमरा प्रोमो शूट किया था लोनावला में, तो आई स्टिल रिमेम्बर. और मेरा पहला डायलॉग था ऑन स्क्रीन, ना देखा ना जाना और प्यार हो गया. ये मेरा पहला डायलॉग था. मतलब नहीं, मैं एक्चुअली बनना नहीं चाहती थी, बट वो चीज़ सामने से जब आपको आ रही है, कोई चीज़ आ रही है लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो वेस्ट है. तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. अगर मुझे ये चीज़ मिल रही है, गॉड हैज़ गिवन दैट इन माई डेस्टिनी, देन आई शुड एक्चुअली थिंक. और बाई गॉड्स ग्रेस शायद एक अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में आ भी गई, अदरवाइज़ बहुत ऐसे लोगों के दिमाग में नहीं भी आती है. और आने के बाद, सीखने के बाद, एक अच्छे यू नो ट्रैक पे चल के प्रॉपर सीख सक, जैसे हम ABCD से शुरुआत करते हैं स्कूल में, तो एक्टिंग भी ऐसी है. इसमें भी बेस से शुरुआत करनी पड़ती है. कुछ लोगों में नेचुरली होता होगा, लेकिन मैं कभी भी फिल्में बहुत कम देखी है मैंने, सीरियल्स और TV काफ़ी कम देखती हूँ. कभी फॉलो नहीं किया किसी एक्टर को और कभी पता ही नहीं था एक्टिंग कैसे करते हैं ऑल दैट, उसके पीछे डिटेलिंग्स क्या होती है. बट थिएटर्स करने के बाद काफ़ी कुछ पता चला, कैरेक्टर क्या होता है, बेस क्या होता है, स्क्रीन प्ले के पीछे क्या होता है, सब काफ़ी कुछ देखने को मिला. उसके बाद जो मैंने ऑडिशंस दिए, आई हैव गॉट पॉजिटिव रिवॉर्ड फ्रॉम एवरीवेयर, टच वुड. रोल क्लोज टू माई हार्ट, आई थिंक अभी तो गुंजन का ही एक ऐसा रोल है जो विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच आई हैव गॉट. इट इज़ द करियर टर्निंग पॉइंट फॉर मी, और दिस हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, गुंजन्स कैरेक्टर. सो आई एम रियली लकी दैट आई एम प्लेइंग गुंजन, एंड लाइफ हैज़ चेंज्ड. एंड थैंक्स टू बियॉन्ड ड्रीम्स, थैंक्स टू स्टार प्लस एंड ऑल द फैंस कि आपने मुझे गुंजन के रोल में अपनाया. एंड या इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी टिल नाउ. मेरा ड्रीम रोल अगर आप पूछो तो ऐसे कई सारे रोल्स हैं जो मैं करना चाहती हूँ. एक ऑटिज़म किड प्ले करना चाहती हूँ, एक प्रॉस्टिट्यूट प्ले करना चाहती हूँ. आई नो इट विल साउंड वियर्ड, बट या दीज ऑल चैलेंजिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो मैं प्ले करना चाहती हूँ. बबली, चौपी, मस्तीखोर और झल्लड़, सी अजीब सी, वो सब काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर्स मैं लाइफ में प्ले करना चाहती हूँ. एंड माई एवरेस्ट इन लाइफ इज़ टू बिकम अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस. वैसे तो ऐसे कई फैंस मुझे मिले हैं, जब भी हम शूट पे जाते हैं, कहीं पे बाहर शूट करते हैं तो बाहर काफ़ी क्रेज़ होता है. तो सबसे पहले तो मैं स्टार परिवार के लिए दिल्ली में गई थी, तो एक आंटी थी जिन्होंने मुझे पकड़ के लिटरली खींच लिया था, एंड शी वॉज क्राइंग कि मतलब गुंजन नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं गुंजन को, एंड शी वॉज क्राइंग. और मेरे लिए वो बहुत ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हार्ट टचिंग था कि सो मच लव आई एम गेटिंग. मतलब मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ कभी कभी इस चीज़ को, बट काफ़ी अच्छा लगता है ये देखकर. सेकंड जो बहुत ही मेमोरेबल मेरे लिए एनकाउंटर है वो है मेरे सेट पे.
एक फ़ैन थे जो फेसबुक पे मुझसे मिलना चाहते थे, हमेशा मुझे टेक्स्ट करते हैं, आज भी करते हैं. तो उन्होंने कैसे कैसे करके एड्रेस निकाला एंड ऑल दैट. और वो ऑन द वे 7 घंटे की ड्राइव करके बाइक पे क्या नाम है जगह का, सतारा से ऑन द वे वो बाइक पे यहाँ पर आए मुझे देखने, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर रहे थे. वो मुझे आके वो आए, वो रुके हुए थे यहाँ पे. कब से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई नया चेहरा है सेट पे, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते ही है सब लोग, तो कोई नया चेहरा आता है तो हम देखने लगते हैं. तो मैंने ऐसे लुक दिया ना, तो वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे ऐसा टच किया, आप रियल में हो. उन्होंने मुझे ऐसे किया, मुझे ऐसे लगा कि माय गॉड, हाँ मैं हूँ रियल में. और उन्होंने मुझे एक बुके दिया, एक गिफ्ट दिया. तो आई फेल्ट काफ़ी टचिंग लगा कि मेरे लिए वो इतने स्ट्रगल करके आए सिर्फ मुझे देखने के लिए. यहाँ पे 4 दिन रहे, रेगुलरली 4 दिन सेट पे आए, सिर्फ मुझे देखते रहते थे. तो मेरे लिए काफ़ी हार्ट टचिंग था वो. आई जस्ट वॉन्ट कि मैं अभी तो गुंजन प्ले कर रही हूँ, इन फ्यूचर मैं और कई काम करूँगी और काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करूँगी. तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह मेरे साथ रहिए, इसी तरह मुझे प्यार दीजिए. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके सपोर्ट से एक एनर्जी मिलती है परफॉर्म करने में और काफ़ी अच्छा लगता है. और कभी कभी ऐसा लगता है कि बस आप ही के लिए परफॉर्म कर रहे हैं हम, ऐसे ही फील होता है मोस्टली. हमारे लिए तो कर ही रहे हैं बट आपके लिए भी कर रहे हैं. तो बस इसी तरह अपना प्यार देते रहे और हमेशा मेरे साथ रहिए एंड लव फरनाज बोलते रहिए. Hope you have enjoyed this segment and we'll be back soon with a new celeb and his television journey. Neha Sawant with cameraman Mangesh, India Four Rooms, Mumbai. Hey you guys, this is Gangna Suryavanshi here from Veera. Keep watching India Four Rooms and subscribe WhatsApp TV. Love you all.